ये बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, सारे पत्थर ऐसे आके गिरे इधर पे। बहुत लंबा सफ़र तय करके आए, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, चलते चलते टूट भी गए हैं। मैं गरिया दाल और चावल गरिया दाल और चावल बोली वो भी किसी के मुंह से निकली दिल कह दे आखिर बात दाल सामान उठा बोला। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मजगांव। नानी ओमाए वा मो शिंदेइरु क्या देखा तूने तूने क्या अपनी माँ के देखा तूने चावल बोड़े चौली निकाले गांव की घरिया दाल खा रखी है चावल खा रखी सब पता अबे ओए रोड से चल अबे पहले समोसे ले ले क्या देख तील क्या देख रहे मैंने भी देखा बयान अरे बॉडी में क्या निकाल रखी है घरिया दाल और चावल बॉडी खिड़की के बाहर निकल गई थी नानी मैंने कहा बोली नहीं नहीं आओ अंदर आओ बाहर पड़ो भीतर तो भीतर आओ पूरी गया अरे भीतर आओ कुछ है तू है। अभी हम वापस भैया की शॉप में आए हैं और समोसे ले जा रहे हैं जहाँ से शुरुआत करी थी जहाँ से शुरुआत करी है वहीं पे एंड तो नहीं करेंगे एंड तो नहीं करेंगे लेकिन समोसे वहीं पे खाएंगे वापस अभी घर के लिए ले जा रहे हैं। 6 साल हो गए समोसे बनाते हैं 23 साल के हाँ यहाँ के समोसे फेमस है। तो अगर आप कभी भी मजगांव आते हैं तो यहाँ से समोसे बिल्कुल लेके जाना ढोंडियाल जी से। जलेबी और समोसे जलेबी भी बना रखे हैं ये बिल्कुल ताज़ी एकदम ताज़ी जलेबी है समोसे भी ताज़े हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए मजगांव। मजगांव में उतरते ही टैक्सी से भाई ने कुछ देखा है मैं गरिया दाल और चावल गरिया दाल और चावल बोली वो भी किसी के मुंह से निकली दिल कह दे आखिर बात दाल गाड़ा को चल गया चल को चल गया ये चाटने के लिए चला गया था बिल्कुल। टैनिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है तीनों को, बिल्कुल काले हो चुके, कलपट हो चुके हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा हो चुका हूँ। श्यामू तो फिर भी गोरा है, ये भी थोड़ा बहुत हो ही गया है। अभी हाथ मुंह धोएंगे और निकलेंगे। फिर ये रास्ता है, ये ऊपर रोड जा रही है, इसी रोड से होते हुए सीधा गांव की तरफ जाएंगे अपने। तो यहाँ से लगभग हमें 2 घंटे लग जाएंगे बाई रोड, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज, सुबह 4:30 बजे के उठे हुए हम लोग। देखो गाइस आपके कैप्टन ब्लॉगर तो गाइस ये डर चुकी है, ये डर चुकी है, ये वापस भाग रही है। उस चोटी पे जाना हमें, उस चोटी पे रास्ता तो ये भी है मगर ये जंगल वाला रास्ता नहीं, हम रोड से जाएंगे। और ये नया पुल बन रहा है और ये पकड़ी मैंने, पकड़ी दो बकरियाँ पकड़ी। मजगांव में समोसे लेने के बाद हम लोग निकल चुके हैं सीधा रोड पे। तो यहाँ से रोड शुरू होती है, पानी वानी पिया हमने, थोड़ा रेस्ट किया 5-10 मिनट का, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये रास्ता है हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इस रास्ते से जाएंगे सीधा जंगल से होते हुए, और हमारा गांव पड़ता है वो जो पहाड़ दिख रहा है ऊपर है यहाँ पे सबसे ऊंचा, उसी पहाड़ के थोड़े से निचले हिस्से पे हमारा गांव है हसूड़ी। तो ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। जो मैंने आपको स्कूल दिखाया था 9वीं से 12वीं तक का, वो है स्कूल। मेरे पापा मेरे चाचा वगैरह सब उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, यहाँ तक कि इसके पापा सब उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। बंक मारी है यहाँ पे। शाम के 5 बज चुके हैं, थक बहुत ज़्यादा गए हैं हम, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। सबसे ज़्यादा ये थका क्योंकि ये दीवा माता के दर्शन करके आ रहे हैं। तो भाई मज़ा आया आज की जर्नी में भाई, बहुत ज़्यादा थक गया यार तू, पैरों की लगी पड़ी है, सुनो रखा पैर कैसे लचक लचक के चल रहा है और सब शरीर भी सुन। अरे क्या खूबसूरत लोकेशन, अगर हम लोग पहाड़ चढ़ के आते तो उस रास्ते से चलते हुए आते, उस उधर उधर पे आता मजूर गांव, उसके ऊपर वाली पहाड़ी पे फिर आता मंदिर। मास्क की जरूरत नहीं है, मास्क की जरूरत नहीं है, फेंक दे मास्क को। तो उस पहाड़ी पे आता फिर हमारा घर ऊपर वाली। बट अभी हम जा रहे रोड टू रोड, आप लोकेशन देखिए बस। अगर कहीं जन्नत है तो फिर से कहूँगा यहीं पे है, यहीं पे है और यहीं पे है। आपको मैं पूरा रास्ता दिखाऊंगा, पूरा रास्ता इस व्लॉग में
टेंशन मत लो, कहाँ कहाँ से जाएंगे, जंगल से जाएंगे। तो फिलहाल बैग इनके पास भारी हो रहा है तो मैं बैग ले लेता हूँ, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ भाई की। तो श्यामू भाई के पास बैग भारी हो रहा था तो मैंने बैग पकड़ लिया है ना। तो हम लोग रोड से आ रहे थे, अभी हम लोग ये कच्चा रास्ता यूज़ करेंगे, थक चुके हैं तो अभी कच्चे रास्ते में चलते हुए। हम बाई रोड भी जा सकते हैं लेकिन रोड घूम के वापस से ऊपर की साइड आएगी, तो उससे अच्छा कि हम थोड़ा कच्चा रास्ता यूज़ करें ताकि हम सीधा डायरेक्ट ऊपर वाली रोड पे पहुँचे, वरना हमें उधर की साइड से घूम के आना पड़ेगा। कच्चा रास्ता है, चढ़ाई भी खतरनाक है। तो वो रहा हंसेश्वर महादेव, लेकिन हमें घूम के बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो ये कच्चा रास्ता आपको ऊपर गाड़ी दिख रही है वहीं रोड तक छोड़ेगी, अगर हम पहाड़ के रास्ते से आते वहीं पे पहुंचे होते। बाई रोड आ रहे हैं तो वहाँ से हमने कट ले लिया था, वरना घूम के इधर पे आते और इधर पे, और हम कच्चे रास्ते जा रहे हैं। क्या हुआ, बैग क्यों फेंक दिया? उठा लो यार। तो वापस हम रोड पे आ चुके हैं। ये जो ऊपर गांव दिख रहा है आपको, ये है पोखरी गांव और वो है हसीड़ी गांव उधर पे उस पहाड़ी पे। अभी हम इस रास्ते से जाएंगे, वहां से सीढ़ी दिख रही है उसके ऊपर चढ़ के रोड क्रॉस करेंगे, रोड को क्रॉस करेंगे ऊपर वाली रोड पे पहुंचेंगे। वरना अगर हम बाय रोड ही जाते तो ये जाएगा रास्ता, ये कट मार रहा है इधर पे और उधर से वापस कट मार रहा है, उधर से उधर से उधर से वहाँ तक। बट इतना घूमने की बजाय क्यों ना हम सीधा कट मार ले ऊपर की साइड। पसीने आने लगे, बहुत ज़्यादा थक चुके हम लोग, यहाँ से जर्नी ज़्यादा दूर नहीं है। अब 1 2 3 4 चार लेयर पार करनी है हमें रोड की, फिर जाके हम पहुँचेंगे मंदिर में, थोड़ा रेस्ट लेंगे उसके बाद घर की तरफ फिर निकलेंगे। लंबा सफ़र है, ट्रैकिंग हो रही है, थक रहे हैं, मज़ा बहुत आ रहा है। बिल्कुल दौड़ना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है, बस चलते जाना है आराम से, मंजिल मिल ही जाएगी, चलते रहना है। थोड़े बहुत गढ़वाली गाने चला दे यार ताकि ऊपर तक पहुंच जाए आराम से। सावला रंग तू मैं पहाड़ से, काले है बाल तू मैं पहाड़ से, भाई मेरे सारे ये भी पहाड़ से, बोलने में दम क्योंकि हूँ मैं पहाड़। अभी हम यहाँ से जाएंगे ऊपर की साइड क्रॉस करते हुए रोड पे, वासी और ऊपर ये गंदे है, बहती है नदियाँ यहाँ ऊंचे पहाड़ों से, देखो यहाँ आके जिसको भी संदेह और जिसको भी संदेह, हमारे इन गानों से फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बहानों से, गाने भी गाते हैं रैप भी सुनाते हैं, मैं शब्द तो छोड़ो हम रैप में नचाते हैं। यहाँ से अभी देखो हम कितना डिस्टेंस आ चुके हैं, बस आप रोड को देखो, वहाँ फिर नीचे की साइड, फिर वहाँ, फिर सीधा रॉल पे, बहुत डिस्टेंस आ चुके भाई। थक गया हमारा, थक गई नहीं, बड़ा थक गया भाई, ऊपर से इसका बैग पिट्ठू बांध के लाया, पता नहीं क्या क्या दीवा का बहाना लगा रहा है कि नहीं चला जा रहा भाई। लड़कियों के लिए गिफ्ट लेके आया था इसमें, बैग उठा लो कह रहा है, दिहाड़ी देगा बैग उठाने की और क्या है। तो बहुत थक चुके हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा पसीने से बहुत ही ज़्यादा तड़ तड़ हो गए हैं, टी शर्ट देखिए बिल्कुल गीली हो चुकी है, बट अभी पसीना थोड़ा सा सूखा है, 5 मिनट हुए हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा और पसीना सूखे हमारा, हम निकलते हैं। इस वक्त हम हैं पोखरी गांव में, ये मेरा सेकंड टाइम है मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ रोड के रास्ते, बाकी मैं हमेशा आया हूँ पहाड़ के रास्ते, बट इट्स ओके, मज़ा आ रहा है, इतनी ज़्यादा थकान नहीं लगती जितना हमें उस रास्ते से लगती है। क्या है ना, पानी की बोतल भर दी, पानी की बोतल दे यार। तो फिर निकलते हैं और जर्नी शुरू करते हैं, वापस से क्रॉस करेंगे, इस रास्ते से जाएंगे, रोड पे टच होंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, उस पहाड़ी की तरफ जाएंगे गांव अपना। अब कितना दूर जाना भाई, पानी भर दो, मैं वही कहूंगा, देखो घर पे ही आ जाओ। नहीं नहीं बस पानी बस। नहीं नहीं पानी भर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पोखरी गांव का आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये है पोखरी गांव का नज़ारा, बिल्कुल देख सकते हैं। तो वहाँ से पोखरी गांव शुरू होता है और वहाँ पे जाकर खत्म।
तो अभी रोड पे ट्रैवल करने के बाद फिर से ये रोड ऊपर की साइड कट होती है, ऊपर से घूम के आती है, तो हमें इतना घूमने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस पहाड़ी से होते हुए सीधा जाएंगे वहाँ पे ऊपर, वहाँ तक रोड मिलेगी, उसके बाद इस पहाड़ी से उस पहाड़ी की तरफ जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा मंदिर, वरना हमें यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। आप देखो ये रास्ता जा रहा है यहाँ पे, फिर वही रास्ता ऊपर की तरफ आ रहा है घूम के ऊपर तक। इतना कौन घूम रहा है, सीधा ऐसे चलेंगे। बैंड से दिखाऊंगा आपको कितना हमने ट्रैवल कर लिया और कितना दूर से हम लोग आए हैं। गर्मी लग गई भाई को, हम क्या बोलते हैं, बार बार स्वेटर चेंज बनियान चेंज ही करते रहे भाई, वहाँ इतने पसीने आ रहे थे दीवा में। हाँ भाई दीवा में। अभी हमें यहाँ से सीधा ऊपर तक जाना है, वहाँ तक स्कूल तक, स्कूल की छत दिख रही है, मंदिर वहाँ पे दिख रहा है, गांव उस साइड को। बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, चलते चलते टूट भी गए हैं कुछ अपनी लाइफ से, कुछ चलते चलते, बट रुके नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ऐसी तैसी हो गई है बॉडी की, ऊपर से ये 4-5 किलो का बैग, इसको भी लादना बहुत मुश्किल हो गया। ये बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, सारे पत्थर ऐसे आके गिरे, इधर पे साइड करना पड़ा, फिर रास्ता। बरसात के मौसम में तो बिल्कुल संभल के आए। ये पेड़ देख रहे हो आप कैसे अटका हुआ है, ये सीधा गिरेगा नीचे किसी के ऊपर एक ना एक दिन। थोड़ी सी बारिश और आने दो, इसकी जड़ें थोड़ी सी बाहर और आने दो, ऑलरेडी लटक रही है, सीधा गिरेगा किसी के ऊपर। सो फाइनली हम इस पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, ये है रास्ता रोड जो कि सीधे यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि हम लोग कितना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, रोड यहाँ तक जाएगी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको रोड का बताता हूँ, रोड यहाँ से जा रही है, ये जा रही है यहाँ से घूमते हुए इधर को, उस पहाड़ी से उधर को, फिर आप अगर देख सकते हैं मेरे हाथ के निशाने पर, तो वो है रोड, उधर 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 घूमती हुई उधर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और वो जो गांव दिख रहा है आपको वही गांव है पोखरी गांव, जहां पे हम बैठे थे, जहां पे मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम वहां पे आपको गाड़ियां दिख रही होंगी शायद छोटी छोटी, उस रास्ते से नीचे की तरफ गए, नीचे की तरफ गए 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 गए, वो जो आपको नीचे रोड दिख रही है या फिर रॉल कहूँ यानी कि नदी, वहाँ से हम लोग पैदल आए हैं इतना दूर। अब यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक रोड है, ऊपर आएगा ये स्कूल, उसके बाद वो जो घर दिख रहे हैं वो है हमारा गांव हसुरी। थकान बहुत लग गई है, पूरा गीला हो गया, देखो पूरा पसीने से पूरा गीला हो गया, पूरा मेरी बैक पूरी गीली हो चुकी है, और अभी भी हमें लगभग आधे घंटे और पैदल चलना है गांव में जाने के लिए। चाय पियेंगे, ये तो बिल्कुल टूट चुका है, पिछले 2 दिन से सोया नहीं है। ऊपर से आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है, ऊपर आपको पहाड़ी दिख भी नहीं रही, बादलों ने घेर लिया, ये पहली पहाड़ी, उसके पीछे दूसरी पहाड़ी, उसकी जो चोटी है वहाँ से आया ही है दर्शन करके। वो मेरे साथ गया था, वो भी थक गया, लचक लचक के चल रहा है भाई हमारा। रोड ख़त्म हो चुकी है, अभी इस रास्ते चल रहे हैं, और फाइनली मंदिर आ गया। जब हम 9 बजे गए थे तब भी चाची ऐसी काम कर रही थी, अभी हम 6 बजे आ गए हैं तब भी चाची ऐसी काम कर रही हैं। क्या बात है चाची, चाची के लिए 2 बार तालियां बजा दो। जिंदा बोक्टा अभी तो लिया है, चाची के लिए बोक्टा लेके आ गए दूसरे गांव से, पोखरी गांव का बोक्टा है, हमारे चाचा के जूते। चाचा अंदर है, गेट बंद कर दिया चाचा ने। भाई मजा आ गया, मजा आ गया भाई, थक गया क्या, थक गया यार। काला कितना हो गया मेरा भाई यार, बहुत ज्यादा गोरा था, इतना ही ज्यादा गोरा था जितना ये शर्ट है उसकी, बट रंग उतर गया। वो सब ठीक है, मैं तो ऑलरेडी काला था, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। बाबा जी दरवाजा खोलो यार, आ जा शामू दोबारा यार, तो चलो चाचा हम गांव की तरफ जा रहे हैं, बाय, जाओ जी, चलो चलो, बाय माई जी।
बाय बाबा जी। चलो तो फाइनली मंदिर के अंदर जाके चाय वाय पी के बिल्कुल चाचा चाची चाचा माई जी और बाबा जी के साथ और गपशप लगा के अब हम लोग जा रहे हैं सीधा गांव की तरफ। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, जय हंसेश्वर महादेव। बाय 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 गाइस बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 7 बज चुके हैं शाम के, तो मंदिर में भजन शुरू हो चुके हैं।